जी हाँ नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। चलिए दोस्तों आज बात करते हैं सौरभ भट्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सौरभ भट्ट इस समय अपने फैंस पर बहुत ही नाराजगी जता रही। दोस्तों आपको बता दें कि सौरभ भट्ट एलिमिनेशन होने के बाद वह अपने आप को इतना महसूस कर रहे हैं कि मैं भी कब अपना इंडियन आइडल शो पर वापस आ सकूँ। और जो कि ये माना जा रहा है कि सबसे खूबसूरत एपिसोड होगा इंडियन आइडल से फिनाले से पहले का, क्योंकि आप सभी को पता है कि 8-10 दिन के बाद इंडियन आइडल में अब फिनाले भी होने वाला है। और दोस्तों आपको बता दें कि इसके बाद एक और एपिसोड आएगा जो कि और सीधा आपको एक फिनाले में ही आपको देखने को मिलेगा सभी कंटेस्टेंट। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन आइडल टॉप 10 कंटेस्टेंट में सभी लोगों को बुलाया जाता है और सभी में से एक किसी न किसी को विजेता बनाया जाता है। और उस दिन आप लोग और सभी लोग बहुत ही खुशियाँ इंडियन आइडल का आनंद लेते हैं और इतना झकास होता है कि देखने में बहुत मज़ा आता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगर सौरभ भट्ट उस समय इंडियन आइडल के एलिमिनेशन से नहीं होते तो कितना ही खुशी आता है। तो दोस्तों आज के लिए इतनी फिल्म मिलती है, अगले दिन तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।